सो यू व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग सेफ होंगे। और अगर मैं दोस्तों आज मैं लेकर बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके आपके BGM में आपको 60 FPS या फिर 90 FPS का सपोर्ट है लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो आप कैसे उसे एनेबल कर सकते हैं। एक हिडन फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, तो यहाँ पे जो है मेरे फ़ोन में जो है अभी आप देख सकते हैं, सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्मार्टफोन में जो है मैं 60 FPS का जो है एनेबल 60 FPS का जो है सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है BGM में जो है दिखा नहीं रहा है, सिर्फ अल्ट्रा तक ही दिखा रहा है। 60 FPS कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सट्रीम तक जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा दिखा रहा है। तो मैं आपको भी इस ऑप्शन को एनेबल करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एक्सट्रीम तक जो है एनेबल कर सकते हैं, या फिर आप 90 FPS तक भी एनेबल कर सकते हैं अगर आपके स्मार्टफोन में जो है आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप कैसे उसे एनेबल कर सकते हैं। हिडन फीचर है, तो चलिए बिना कोई देरी के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ZRTR को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ZRTR जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अभी जो है ZRTR दिख रहा होगा, और ZRTR आपको डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से, या फिर आप मेरे लिए डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो एक फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी लिंक, उस वो फाइल भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस फाइल से ही आपको जो है 90 FPS का जो है ऑप्शन मिलेगा, या फिर 60 FPS का जो है ऑप्शन मिलेगा। तो अभी मैं ZRTR को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो इस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे कोई रिस्क नहीं है, आपके BGM को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा, कुछ रिस्क की दिक्कत नहीं आती है इसमें। बस आपको जो है 60 FPS का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, या फिर 90 का भी। तो अभी आपको ZRTR ओपन करने के बाद आपको जो है फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करने को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 90 FPS ऐसा करके फोल्डर होगा, उसे आपको खोलना होगा। तो उसे खोलने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऐसा ऐसी फाइल देखने को मिल जाएगी game_patch करके। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कॉपी कर लेना होगा। इसे कॉपी करने के बाद आपको ऊपर सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे डिवाइस मेमोरी में जाना होगा। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एंड्रॉइड पे चले जाना होगा। एंड्रॉइड पे जाने के बाद आपको डेटा में चले जाना होगा। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है com.pubgmobile.imobile करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा था, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल्स में जाना होगा। फाइल्स में जाने के बाद आपको UE4 गेम्स में जाना होगा, फिर शैडो ट्रैकर में चले जाइए, फिर से शैडो ट्रैकर में चले जाइए, और यहाँ पे आपको सेव्ड में जाना होगा। सेव्ड में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको इधर एक मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको पैक्स क्लिक करना होगा। पैक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा इस फाइल को। तो यहाँ पे जाके आपको प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है, ये मेन प्रोसेस है, आपको इसमें बहुत ध्यान देना होगा। तो इसे पेस्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे BGM को जो है दिखा देता हूँ कि मेरे में जो है 90 FPS का जो है ऑप्शन आया है कि नहीं। तो मैं अभी सेटिंग्स में क्लिक कर देते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स में देख लेते हैं। ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है लॉबी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लॉबी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉबी में आपको देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम और 90 FPS का जो ऑप्शन एनेबल हो चुका है। तो अभी मैं मेरे डिवाइस में जो 90 FPS का सपोर्ट तो नहीं है, तो अगर मैं 90 FPS लगाऊंगा फिर भी मेरे को 60 FPS तक ही दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो FPS जो है 59 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 60 FPS तक जो है एनेबल हो चुका है, 90 FPS में नहीं जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में जो है सपोर्ट करता है 90 FPS तो बिल्कुल जाएगा, कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे फ़ोन में जो है 90 FPS सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 60 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन भी एक ऐड हो चुका है, तो मैं अभी एक्सट्रीम में भी खेल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन अगर सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है ऐसी फाइल अटैच करनी होगी, क्योंकि जो है आपका फ़ोन में जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप 90 FPS में भी खेल सकते हैं अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट है, या फिर 60 FPS में भी खेल सकते हैं। तो जो है गेम थोड़ा बढ़िया हो जाएगा अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। गेम आपको थोड़ा लैग भी कम देखने को मिल जाएगा, और आपको जो है बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपका गेम में जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।